भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी, इस लिहाज से इस मैच का नतीजा अंतिम चार के लिए तो मायने नहीं रखता था। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 7 विकेट पर 264 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 43.3 ओवरों में 3 विकेट पर 265 रन बनाकर मैच जीत लिया। तो वहीं दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को यहां ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में शनिवार रात खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के अंतिम लीग मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच की दिलचस्प बात यह है कि साउथ अफ्रीका के हाथों ऑस्ट्रेलिया हारा है, मगर मिर्ची पाकिस्तानियों को लगी है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने साउथ अफ्रीका के हाथों ऑस्ट्रेलिया की हार पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रजाक ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया मैच जानबूझकर हारा है ताकि भारत को सेमीफाइनल में कमजोर न्यूजीलैंड मिले और भारत का मुकाबला मजबूत इंग्लैंड से ना हो। यही नहीं, अब्दुल रजाक ने इसे आईसीसी की मिली भक्त भी बता दी। पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटर बाशित अली तो 4 कदम आगे निकल गए और उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने आईसीसी और ऑस्ट्रेलिया को पैसे दिए ताकि भारत का सेमीफाइनल मैच न्यूजीलैंड के साथ हो सके और भारत उसे जीतकर कम से कम फाइनल में तो पहुंच जाए। अब चाहे भले ही फाइनल में भारत हार जाए, अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों के इतने भद्दे और शर्मनाक कमेंट आए तो भारतीय क्रिकेटरों ने भी इनका करारा जवाब दिया। जवाब देने वालों में सबसे पहले हरभजन सिंह सामने आए। भज्जी ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि क्रिकेट में जिन पाकिस्तानियों को कोई नहीं पूछता, वह अपनी भड़ास ऐसे ही निकाल रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो वहीं गौतम गंभीर ने कहा कि पाकिस्तान पहले अपना हाल देखे, ना उनका क्रिकेट ठीक चल रहा है ना उनका देश। पाकिस्तान पहले अपना हाल ठीक करें, बाद में हमारी और हमारे देश की बात करें। सबसे करारा जवाब देते हुए सहवाग ने कहा कि पाकिस्तानी अपने क्रिकेटरों की हार को छुपाने के लिए अब ऐसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। अब हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम में कितना दम है। अब ना जाने पाकिस्तानी कौन सा सुल्फा फूंक के रहते हैं कि इन्हें अपनी हर परेशानी की वजह भारती दिखता है। तो दोस्तों, आप इन गांजेबाज पाकिस्तानियों को क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।